दिल्ली सड़क पर उतरा मजदूरों का हजूम। और इससे पहले आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें, आगरा में 12 नए मामले आने के बाद संख्या 777 पहुंच चुकी है। लगातार आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। कोरोना संक्रमित 25 लोगों की अब तक आगरा में मौत हो चुकी है। यूपी के हॉटस्पॉट आगरा में लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। आगरा में 12 नए मामले आने के बाद संख्या पहुंची 777। खूबसूरत ताज का शहर आगरा बना यूपी में कोरोना का अड्डा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आगरा के हालात कहीं ना कहीं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं आगरा को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, लगातार आगरा में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 777 हो गया है, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत भयावह होने वाली है आने वाले समय में। हाँ देखिए, बिल्कुल इस बात से कोई अधूरा नहीं है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से चिंतित हैं और उन्होंने अपनी टीम 11 के 5 लोगों को यहाँ भेजा है। जिस तरह से 2 दिन से ये टीम यहाँ पर आई हुई है, वो लगातार मीटिंगों का दौर यहाँ पर जारी है। अभी इस बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर किस तरह से इस कोरोना की चेन पर ब्रेक लगाया जाए। जैसे कि यहाँ जिले के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, साथ ही साथ कल जो है जो जिले के सभी माननीय सांसद और विधायक सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई, इनके विचार विमर्श किए गए। तो हॉटस्पॉट इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रशासन लगातार ये कोशिश भी कर रहा है कि किसी भी तरह से इस आंकड़े पर ब्रेक लग सके। अजय, देखिए बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जब से टीम आई है तब से आम जनता पर तो अंकुश लगाया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही की जा रही है वो लगातार जारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ की अगर आगरा की अगर लापरवाही की बात की जाए तो यहाँ लापरवाही पूरी चरम सीमा पर है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, दावे कर रहे हैं प्रशासन कि हम इलाज दिलवा रहे हैं, मुख्यमंत्री की आदेश है ये इलाज सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर परेशान होते दिखाई दिए जा सकते हैं कि इलाज नहीं मिल रहा है, कई मौतें हो चुकी है। कुल अगर आगरा में बात की जाए तो कल भी एक मासूम बच्ची की मौत हुई, जो की इलाज के अभाव में 108 एम्बुलेंस पर वो फोन करते रहे, 108 नंबर मिलाते रहे, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई और एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। और ये चीज जो स्वास्थ्य विभाग है ये लापरवाही अपनी दर्शाता रहा और प्रशासन अभी भी आंख बंद करे हुए। जी अजेंद्र, कहीं ना कहीं आगरा में लोग डर साफ तौर पर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा टीम गठित करके आगरा भेजी गई है तो लोगों पर और सख्ती कर दी गई। हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल है, ये जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी है या प्रशासन की बात कर ले, इनकी तरफ से इतनी ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साफ तौर से आगरा की हालात अगर हम बात करें तो शुरू से ही आगरा में लगातार लापरवाही का भंडार देखने के लिए मिला है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जो लोग थे यहाँ पर काम जो कर रहे थे, उनके काम करने की जो टेक्निक थी वो बिल्कुल कतई ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर हम बात करें तो SN मेडिकल कॉलेज के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही साथ आगरा में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हो चुका है, पहले जमाती और पारस हॉस्पिटल एपिसेंटर बने हुए थे, लेकिन अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के बाद पुलिस कर्मी, पत्रकार, मेडिकल स्टोर कर्मी, सब्जी विक्रेता, ये सभी लोग एक चुनौती बने हुए हैं कि अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं। और आगरा में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था जो जिले के आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि व्यवस्था ठीक कर दी है, लेकिन हकीकत में वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। जी अजेंद्र, बिल्कुल कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को है, जनता वैसे भी डरी हुई है। हालांकि ये लोग जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे आंकड़ा लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर 12 नए मामले आने के बाद 777 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आगरा में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर नाराजगी भी जता चुके हैं और काफी सख्त भी है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है आगरा की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाली है।